हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे केमिस्ट्री का 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बिहार दुर्गा मेंस और बिहार एसएससी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले हमने और भी बहुत सारे सीरीज जारी किए हैं, आप उसको जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए, पीएच मान 5.5 से कम होने पर, बी, पीएच मान 6.1 हो, पीएच मान 6.6 से अधिक होने पर, पीएच मान 7.2 से अधिक होने पर। तो मुंह का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो इसका आंसर होगा ए। यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? अम्लीय जल को। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्षारीय लवण को इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का आंसर होगा बी। तो बी होगा, लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। नेक्स्ट, पीएच स्केल किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का पीएच स्केल, ए, विलयन में उपस्थित कॉपर की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल, बी, विलयन में फास्फोरस की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल, सी, विखंडन को नापने के लिए, डी, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल। तो पीएच स्केल क्या है? तो ये डी नंबर होगा, डी ऑप्शन इसका, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तनुकरण की प्रक्रिया क्या होती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर के पास लेके चलूंगा। तो तनुकरण की प्रक्रिया आंसर इसका डी होगा, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या +OH में प्रति इकाई आयन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर होगा डी, तनुकरण की प्रक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट, रेडॉक्स अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ए, ऊष्माक्षेपी उपचारित होती है, बी, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि, सी, अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित। सभी गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा सी, अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, एक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट, अपचयन क्या है? जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, जिस प्रक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो, जिस प्रक्रिया में ऊष्मा उपचारित हो, इनमें से कोई नहीं। तो अपचयन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ए, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। तो क्वेश्चन नंबर 8, जिन अभिक्रियाओं में एक अभिकर्मक टूटते हैं, बी, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, डी, एक व दो दोनों। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है ये सी नंबर होगा ऑप्शन, जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिनमें ऊष्मा निकलती हो, जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, सी, जिनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, डी, दो तत्वों के अलग होने से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन मिक्स हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है इकाई, छोटा कमरा, सूक्ष्म पदार्थ अन्य। तो यह सेल का मतलब होता है छोटा सा कमरा, इसके बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो ह्यूमन का व जीव का, तो वह सेल ही होता है, बेसिक लाइक स्ट्रक्चर या बेसिक सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, तो सेल या कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोफेसर बोर के लेखों पर आधारित कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई है? A3, B4, C6, D7। तो प्रोफेसर बोर के लेख पर कितने प्रकाशित हुआ है? तो बी नंबर, 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई है। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया या किसने की थी? ए जे जे थॉमसन, बी नील्स बोर, सी रदरफोर्ड, डी जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया था। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, जिसमें कि कार्बन 1 होता है और ऑक्सीजन 2 होता है। अगर कार्बन का परमाणु भार देखा जाए तो 12 और ऑक्सीजन का कितना होगा? 16, लेकिन 2 अणु है तो 16 × 32। 12 बटे आप कर सकते हैं 32, तो 12 बटे 32 करिएगा तो कट करके कितना आएगा? तो कट के आएगा 3:8। 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12 और 8 × 32। तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, निम्न धातुओं में एक परमाणु कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन। तो निम्न धातुओं में एक परमाणु जो है वो है ऑर्गन। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान का रासायनिक प्रतीक ArFeK। परमाणु द्रव्यमान का रासायनिक प्रतीक तो नेक्स्ट ये डी होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, 1.007 है, तो ऑलमोस्ट 1 ही माना जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है, 15 point something कुछ माना जाता है, तो ऑलमोस्ट 16 ही माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप के मानक संदर्भ में कब स्वीकार किया गया था? 1956, 1961, 1967, 1972। तो इसको 1972 में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, कॉपर सर्वप्रथम कहाँ खोजा गया? भारत, चिली, साइप्रस, रूस। तो कॉपर सर्वप्रथम साइप्रस में इसकी खोज हुई थी। नेक्स्ट, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान किस अनुपात में विद्यमान है? तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14, और हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 × 3, तो 14/3 होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो 20 नंबर का आंसर होगा डी। तो परमाणु द्रव्यमान का भार पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और नाइट्रोजन का 14, तो इसका होगा 20 का डी। नेक्स्ट, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमान किस अनुपात में विद्यमान होते हैं? आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, तो मैं बता दूं कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, तो 14:3,
तो इसका आंसर वही डी होगा। नेक्स्ट, यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव क्या होता है? तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के एक होते हैं, तो हाइड्रोजन का हुआ 2:16, तो कट के कितना होगा 1/8, तो आंसर होगा इसका भी डी होगा आंसर। नेक्स्ट, कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर क्या होता है? पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो कोमल साबुन में सोडियम के स्थान पर पोटेशियम यूज होता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर की सामर्थ्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सीरीज में। तो कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी ग्रेफाइट। तो प्राकृतिक रबर की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट, हीरे के चमकने का क्या कारण होता है? इसका कठोर होना, इसका उच्च अपवर्तनांक होता है होना, इसका उच्च घनत्व होना, इनमें से कोई नहीं। तो हीरे को चमकने का कारण है कि इसका उच्च अपवर्तनांक होना, इसका आंसर होगा बी 25। वह संतृप्त कार्बन यौगिकों से ज्वाला निकलेगी, कैसी ज्वाला निकलेगी? स्वच्छ और अस्वच्छ, काले धुएं वाली, पीली ज्वाला, नीली ज्वाला। तो जब असंतृप्त कार्बन यौगिक को जलाइएगा तो ये काले धुओं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। नेक्स्ट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से ज्वाला निकलेगी, स्वच्छ और अस्वच्छ, काली पीली। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से निकलेगी स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। नेक्स्ट, प्रोपीन किसे कहते हैं? एक आबंध वाली कार्बन श्रृंखला, दो आबंध वाली कार्बन श्रृंखला, तीन आबंध वाली कार्बन श्रृंखला। तो 28 का आंसर होगा प्रोपीन जो है दो आबंध वाली तीन कार्बन श्रृंखला को प्रोपीन कहते हैं। एल्कीन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जिनमें दोहरे आबंध हो, प्रोपाइन इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं, एल्कीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोहरे आबंध है, एल्कीन क्या कहलाते हैं? फिर से रिपीट हुए क्वेश्चन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दोहरी आबंध होते हैं। मीथेन क्या होते हैं? साइक्लोहेक्सेन कार्बन का एक रूप, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आंसर होगा डी। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। प्रकार्योत्मक समूह, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म के जरिए आबंध, समजातीय श्रेणी, सभी गलत। तो सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म के जरिए आबंध। तो आंसर होगा बी। विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातु में आवर्त सारणी के किस ओर स्थित होती है? तो ए बाएं ओर नीचे, बाएं ओर ऊपर, दाहिने ओर नीचे, दाहिने ओर ऊपर। तो यह आंसर होगा डी, दाहिने ओर ऊपर आवर्त सारणी में स्थित होते हैं। नेक्स्ट, मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया था तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तब तक उसे 63 तत्व ज्ञात थे, उसके बाद इन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। नेक्स्ट, मेंडलीव ने अपनी सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था? मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म, निम्न सभी। तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी गुणों के आधार पर उन्होंने आधार सारणी का निर्माण किया था, मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणधर्म। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने 36 पंक्तियां हैं? तो 7, 10, 15, 18। तो आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों की संख्या 7 है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अर्ध स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है? ए 10, 15, 18, 20। तो इसमें बता दूं कि आवर्त सारणी में 18 स्तंभ है जिन्हें समूह कहा
मेंडलीव की आवर्तनिका प्रकाशित हुई 1850, 1872, 1880, 1882। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेंडलीव का जन्म किस साल हुआ था? 1 जनवरी 1833, 10 नवंबर 1833। तो मैं आपको बता दूं कि 8 फरवरी 1834 को इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, तत्वों के वर्गीकरण का श्रेय किसे है? डमिची इवानोविच मेंडलीव, न्यूलैंड्स, डोबेराइनर, सभी गलत हैं। तो आंसर होगा इसका ए, 40 का आंसर होगा ए, इवानोविच मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण का श्रेय इसको दिया जाता है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं? शुद्ध एथेनोइक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ग्लेशियल एसिटिक जो है यह शुद्ध एथेनोइक एसिड है। आंसर ए, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? 170 केल्विन, 210 केल्विन, 250 केल्विन, 290 केल्विन। आंसर होगा डी, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। नेक्स्ट, लौह एवं जस्ता को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? अमलगम, यसद लेपन, एनोड पंक, ससंयोजी आबंध। तो उसको कहते हैं यसद लेपन। 43 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट, गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्कों में औषधियों को, एक प्रकार का खनिज, एक प्रकार की वनस्पति, एक प्रकार का प्राणी। तो गैंग जो है पृथ्वी से उत्पादित खनिज अयस्कों में औषधियों को गैंग कहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी, आयनिक श्रेणी, अपरूप श्रेणी, सोडियम क्लोराइड। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। 45 का आंसर बी। नेक्स्ट, धातु के किस साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? अम्ल की साथ अभिक्रिया होने पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। 46 का सी, किस गुणधर्म को आघात वर्धिता कहते हैं? धातुओं का टूटना, धातुओं का एक दूसरे से जोड़ना, धातुओं को पीट कर पतला करना, धातुओं में कृत्रिम चमक लाना। तो इसका होगा 47 का आंसर सी, धातुओं को पीट कर पतला करना आघात वर्धिता कहलाता है। धात्विक चमक किसे कहते हैं? शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है, एक दूसरी धातु से मिलकर उसमें कृत्रिम चमक लाना, पॉलिश करके उसे चमकाना, सभी गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि 48 का आंसर होगा शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, ये धात्विक चमक कहते हैं इसे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, अम्ल एवं क्षारक के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। तो उदासीनी अभिक्रिया जो है इसका आंसर होगा बी, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, 50, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनता है? तो ये बनाता है डी नंबर, 373 केल्विन। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितना गर्म करने पर? 373 केल्विन गर्म करने पर या जल के साथ अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। किसे अम्लीय वर्षा कहते हैं? ये वर्षा की जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो, बी जब पीएच मान 8.1 से कम हो, सी जब पीएच मान 4.2 से कम हो। मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा ए, जब वर्षा की जल की बूंद का मान 5.6 से कम होगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहलाएगा। नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए।
और प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, और बहुत सारे क्वेश्चन हम आंसर हमने सीरीज बना करके डाला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।